शासन से लेकर प्रशासन तक से नहीं मिल सका जिले के मीडिया को सवालों का जवाब। सवाल का जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग निकले सुल्तानपुर प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दिनांक 29 मई 2020 को स्वास्थ्य मंत्री प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय में स्थित आकस्मिक कक्ष एवं डायलिसिस सेंटर का किया निरीक्षण। दौरे के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह बोले, ओपीडी एवं स्वास्थ्य सेवाएं आज से होंगी शुरू। जिला अस्पताल के डायलिसिस समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण कर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। भाजपा नेता मोहित सिंह व सीएमएस डॉक्टर बीवी सिंह के बीच हुए गाली गलौज मामले को प्रभारी मंत्री ने लिया संज्ञान में। बोले, एडी हेल्थ से जांच कराकर करेंगे कार्यवाही। बताते चले कि इसके बाद वो राम नरेश त्रिपाठी सभागार प्रेस वार्ता करने पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान सीएमएस के कारनामे के चलते घिरे प्रभारी मंत्री की जवाब नहीं देने पर डीएम ने दी सफाई। प्रभारी मंत्री ने बताया, कोरोना लॉकडाउन को लेकर जिले के मीडिया को शासन की तरफ से कोई सुविधाएं नहीं है। शासन व प्रशासन सिर्फ यूजर के रूप से मानता है जिले के मीडिया को। साथ ही उन्होंने सीएमएस वीवी सिंह के बदजुबानी वायरल ऑडियो पर प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह की तरफ से ये कहा गया कि आप में से कोई लिखित पत्र दे तो कार्यवाही की जा सकती है। इस पर जब हमने उनसे कहा कि पत्रकार केवल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो पार्टी नहीं बन सकता, इस पर वे आवक रह गए और खुलेआम सीएमएस वीवी सिंह के पक्ष में दिया गया संरक्षण जिले के पत्रकारों के सामने आ गई। इसके साथ ही किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह निकल पड़े। जब शासन व प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है, तो मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखावा एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने का दिखावा क्यों? अभी जा रहे वहाँ इमरजेंसी सेवाएं को कोरोना के ये पूरे संकट के बाद जो हम लोग लॉकडाउन के जो पालन करते हुए अपने सरकारी अस्पतालों पर इमरजेंसी सेवा को प्रारंभ करने की दिशा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल और दो दिन पहले सभी सीएमओ और सीएमएसएस और जिलाधिकारी सबसे वार्ता भी किया है और जितना जल्दी हो पाए हमारे सेवाएं को शुरू करें, उसी निमित्त में हम आए हुए हैं। ओपीडी हमने कह दिया है, थोड़ा सीमित दिशा में खुलें, वो सोशल डिस्टेंसिंग रख के, और इनके पास यहाँ वो सिस्टम भी है तो उसको देख के और नंबरिंग करके वो खोल सकते हैं, मगर थोड़ा सीमित करके करना पड़ेगा। सीएमएस की वजह से ना तो तीमारदार वहाँ जा रहे हैं, ना तो कोई मरीज वहाँ जा रहा है, ना तो कोई पत्रकार वहाँ जा रहा है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और जब भी करते हैं कोई बड़ा कांड कर देते हैं, आखिर इस सब पे लगाम कब लगेगी सर? देखिए, एक जो पिटाई का मामला जो आप लोग बता रहे थे, ये जो आया था, ये जिला अधिकारी ने उनको नोटिस दे दिया है। उसका जैसे सूचना वो हमको देंगे हमारे विभाग में, एक तो उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी, और दूसरा जो अभी हमको आज मिला है उसके विषय में हम अपने ईडी के माध्यम से उसका जांच करवाते हैं। जी सर खड़े हुए हैं, हाँ इनके साथ क्या हुआ? नहीं, अभी इनसे नहीं पूछना हमको, वो उसी से जिस तरह से ये इन्होंने किया है, पत्रकारों पर मुकदमा लिख देते हैं, या पत्रकार को इनके खिलाफ लिखते हैं? पत्रकार मुकदमा अभी आपने बताया, अभी मैंने पूछा था इसके साथ में कि अभी कली की बात हुई है, खत्म करवाया सर? हाँ, कली बात हुई थी, हाँ हमें जानकारी नहीं था। जिस तरह बढ़ती जा रही है, ये कब खत्म होगी? तो आप लोग कहीं खड़े हैं, क्या करें? तो आप लोग भी तो यहीं खड़े हैं, आप लोग पूरे साथ में सब खड़े हुए हैं, ये तो दूर है, आप लोग देखिए आप लोग कितने नजदीक में खड़े हैं। अच्छा, इसमें कौन मजबूरी है? गमछा लीजिए, पीपी मत खरीदिए। सबसे आसान है इस तरह का कपड़ा का बना लीजिए तो बिल्कुल आसान है, ये सब लेने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं। हाँ, पत्रकार जो है वो मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह अपने हिसाब से, हाँ सबको 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 करना पड़ेगा, तो आम पब्लिक के लिए, सबके लिए, हाँ हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए, सरकारी हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए। नहीं, हमको पूछा गया तो हमने बताया भाई, इसमें क्या पूछे, इसमें क्या दुख? हाँ, मगर पत्रकार को अपनी सुविधा करना है। जिला चिकित्सालय के स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क रिटर्न नहीं मिलता है, समाज सेवी लेकर जिला स्थान दे रहे हैं, तो सरकार देखिए जो हम बता रहे हैं, जो उनको दिया जाता है, अन्य जो पीपी किट तब इस्तेमाल होता है जब कोई कोरोना से लक्षित वाले व्यक्ति, उनको अलग से रखा जाता है, तो उसको पीपी किट पहन के देखना पड़ता है, उससे जुड़े हुए जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं,
बाकी समय वो मास्क और ग्लव्स पहनेंगे, ये उनको बता दिया गया। ये हमारा जो प्रोटोकॉल है इन्फेक्शन प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल में जो प्रशिक्षण दिया गया, इसी तरह का प्रशिक्षण दिया गया सभी पूरे प्रदेश में। लेकिन जो सरकारी में आता है मंत्री जी, वो स्वास्थ्य कर्मी को नहीं मिल रहा है? नहीं, वो तो आप सीएमएस देखेंगे ना, उस नहीं, प्राइवेट तो डोनेट कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। हमारे माननीय विधायकगण, हमारे माननीय विधायक लोग ने भी डोनेट किया है, उससे कई उपकरण भी खरीदे गए हैं और मास्क भी खरीदे गए हैं। पीपीई किट का तो एक पर्टिकुलर मानक होता है, इसलिए सब लोग नहीं खरीद सकते उसको, वो हमारे केंद्र सरकार से ही। सरकारी जितने भी आपके मास्क वगैरह आते हैं सरकारी, हाँ, के लिए, हाँ, वो सब उनके प्राइवेट नर्सिंग होम में चला जाता है, जो कि खुले में चला रहे हैं। ये तो फिर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हमारे सरकारी डॉक्टर के ऊपर। चलिए पता लगा लेंगे। हाँ, ये तो अभी शुरू है, हाँ, टाइम बाउंड तो हो जाएगा, महीने भर के अंदर हो जाएगा, क्योंकि महीने भर के अंदर करा देंगे। अभी तो हम जाएंगे, इसको लिख के देंगे, तब महीने भर के अंदर सीमित कर देंगे उसको। चलो ठीक है।